मोहित कम्बोज जी तो बहुत कुछ बोलते हैं कि ड्रग्स केस का मास्टरमाइंड है। अब मुझे मैंने टिप दी, मेरे पास टिप आई ही नहीं है। ये टिप मनीष भानुशाली के पास आई थी, जो वहाँ पे एमपी में है, जो भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता है, नीरज यादव, धवल भानुशाली, इनके पास इन्होंने दी थी टिप। और इन्होंने मुझे खाली संपर्क करने से कहा था एनसीबी से, तो मैंने किया नहीं। एनसीबी वालों से मेरा कोई कांटेक्ट है ही नहीं, तो मैं कहाँ से संपर्क करूँ। तो मैंने, एक मेरा फ्रेंड था सैम डिसूजा, फ्रेंड 1 साल पहले सैम था, सैम डिसूजा सैनुअल और डिसूजा, सैनुअल डिसूजा दोनों एक ही आदमी, दोनों एक ही है। सैनबिल डिसूजा नाम है उसका, मतलब सैनबिल डिसूजा, सैम डिसूजा और सैनुअल डिसूजा, एक ही है, तीनों एक ही आदमी है जो। हाँ बताइए। हाँ, तो उनसे कांटेक्ट, वो उसके 4 महीने पहले कुछ एनसीबी का मैटर हुआ था, उसने कुछ डीलिंग से बात किया था, तो उसने किसी को एनसीबी वालों को पैसे देने थे, तो उसने मुझे कुछ पैसे मांगे थे, तो मेरे पास थे नहीं, तो मैंने मना कर दिया। तो फिर दूसरे दिन फोन किया, अरेंज हो गए, बोले पैसे मेरा काम हो गया, मैंने 25 लाख एनसीबी में दे दिए, मैं छूट गया हूँ, बोले। इतना पता उतना याद था, तो उसके हिसाब से मैंने किरण गोसावी, मनीष भानुशाली का इनको कॉन्टेक्ट सैनुअल डिसूजा से करके दिया था, उतना ही रोल है मेरा। आपको कब खबर मिली कि ये क्रूज पार्टी होने वाली है, ड्रग्स होने पहले वाला चार है, बजे मुझे कैसे शुरुआत हुई? नहीं शुरुआत 4 बजे नीरज यादव और धवल भानुशाली ने कहा था कि ये टिप है, आप काम करते हो क्या? मतलब मैं एक सब टिप्परगिरी का काम नहीं करता हूँ, तो मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, आप अपने तरीके से कर लो। फिर वापस 7:30-8 बजे मनीष भानुशाली, मेरे साथ ही रुका हुआ था होटल में, तो मनीष भानुशाली को फोन आया कि आपको ये काम करना है, तुम सुनील भाऊ को बोलो। तो फिर मैंने बोला मैं तो नहीं करता ये काम, ना मेरा समीर वानखेड़े से कांटेक्ट है, ना एनसीबी का कोई भी ऑफिसर से मेरा दूर दूर तक टच नहीं था, मेरे पास नंबर सेव है। तो फिर वो बोलता कोई कांटेक्ट है, तो फिर मैंने सैनुअल डिसूजा का नाम दिया, क्योंकि मुझे 4 महीना पहले इनकी स्टोरी पता थी ना सैनुअल डिसूजा की। सैनुअल डिसूजा ने बोला था कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसे ऐसे पैसे दिया, तो मैं वो लोग करेंगे काम, आप जाओ। तो वही कॉन्टेक्ट मैंने किरण गोस्वामी और मनीष भानुशाली को, सैम डिसूजा को दिया। 50 लाख लिए गए थे, उसको बाद में आपने वापस करवाया, क्या है ये पूरा मामला? हाँ, 50 लाख इनकी रात को, ये लोग सैनुअल डिसूजा, मनीष भानुशाली, किरण गोसावी, मयूर गुल, ये लोग चारों लोग तो पूरी रात साथ में थे। किसके साथ? इनके चारों लोग एनसीबी के ऑफिस के इर्द गिर्द घूम रहे थे ना, वो एनसीबी के ऑफिस के उधर ही थे ना, उनके लोकेशन निकालो आप। मैं तो अहमदाबाद में था, 1 तारीख को इन्होंने बुलाया मुझे, मैं गया नहीं कि मतलब मुझे आना नहीं, मेरा पर्सनल काम है, मैं यहाँ रुकता हूँ। तो मैं तो अहमदाबाद में था, 1, 2, 3, 4 तारीख तक मैं अहमदाबाद में था, मैं तो यहाँ था नहीं। इनकी क्या मीटिंग चल रही है, क्या डील चल रही है, मुझे खाली रात को 2:30 बजे के करीब इसने सेल्फी भेजी, किरण गोस्वामी ने सेल्फी, मतलब एक फोटो भेजा कि आर्यन खान की फोटो है, ये शाहरुख का लड़का है वो, तब मुझे पता चलता है। फिर सैनुअल डिसूजा ने मुझे पूछा, हम लोग डील करने लगा, तुम वहां एक साथ हो, नंबर दे दिया, तुम बात करो दोनों। तो उनके बीच कहा डील हुई, मैंने भी बाद में न्यूज चैनल में पढ़ा कि लोअर परल के ब्रिज के बाद डील हुई। तो उसके बाद मुझे 8:30 बजे के करीब, सुबह 8:30 बजे करीब शाम का फोन आया कि भाई 50 लाख रुपये टोकन दिया है, वो प्रभाकर साहिल को देना है। किरण ने बोला प्रभाकर को दे दो, तो मेरे पास तो नंबर था नहीं प्रभाकर का, तो किरण ने मुझे नंबर भेजा प्रभाकर साहिल का। प्रभाकर का आगे सर मैं, मेरे पास चैटिंग है सारा कि मैं किरण सर का बॉडीगार्ड हूँ, मुझे 50 लाख लेने भेजा है। तो फिर मुझे शाम ने फोन किया, तो मैंने एक जगह पर उनको बोला कि तुम जहाँ पे एड्रेस देके लोकेशन लेके, इन्होंने पैसा एड्रेस दिया, वहां पे जाके इन्होंने पैसा उठाया, उसके बाद तो कुछ कुछ पता नहीं। उसके बाद इन्होंने रखने के लिए कहा, तो मैंने बोल दिया कहाँ रखना, तुम रख लो ना। उसके बाद मुझे 2 बजे वापस, क्योंकि रात भर सो नहीं सका था, सुबह 9 बजे तक सो नहीं पाया था, तो मैं सो गया। उसके बाद 2 बजे, 2 या 2:30 बजे मुझे सैनुअल डिसूजा का फोन आया, भाई काम नहीं हुआ, पूजा पैसे मांग रही है। पूजा कौन? पूजा? हाँ, तो वो जो है उनकी पीए के थ्रू इन्होंने डील की थी, वो तो पैसे मांग रही है। तो बोला ठीक है, मैं किरण को बोलता हूँ। तो मैंने किरण के साथ गाली गलौज करके, वो बाकी के उसने फिर एक जगह 13 पैसे रखे थे वहां से निकाल के दोनों को, प्रभाकर को बोला कि तुम पहले पैसा रिटर्न करो, सबसे पहला तुमने काम नहीं किया तो तुम पैसे क्यों लेके बैठे हो किसके? तो वो किरण से मेरी बहसबाजी हुई, गाली गलौज हुई, मनीष तो पता नहीं कहाँ चले गया था, मनीष तो उधर ही, फिर उसने वापस कराया उतना पता है। उसके बाद में धीरे धीरे मैं टेंशन में आ गया कि भाई ये सब लफड़े में एक कॉन्ट्रीवर्सी में है, फालतू में मेरा नाम ना है, मुझे तकलीफ ना हो, क्योंकि मैं पहले से ही थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम में चल रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा इसमें चल रहा हूँ, तकलीफ में चलो, तो मैं सब लोड नहीं लेना चाहता था, तो बस उतना ही। बाद में मेरे को साहिल का स्टेटमेंट आया, बाद में अभी मेरे को फिर साहिल के स्टेटमेंट के आने के बाद मेरे को अहमदाबाद से निकलने नहीं दिया गया, वहां से परसों के दिन दिल्ली बुलाया इन्होंने, 4-5 दिन पहले दिल्ली बुलाया धवल ने, मनीष भानुशाली ने, वहां पे कुछ मारापीटी हुई, मेरी जान बचा के मैं वहां से अहमदाबाद रिटर्न आया, अहमदाबाद मुझे निकलने ही नहीं दे रहे थे लोग। क्या बोला मनीष भानुशाली ने आपको? कुछ वीडियो बनाने का बता रहे हैं वो, वीडियो बनाने का, फिर बोलता है कि हम लोग ऊपर तक जाएंगे, तुम्हें कुछ होने नहीं देंगे, बाद में तुम हमारा सपोर्ट करो। मतलब मैं क्यों भाई, जब मारा पीटी पे बात आ गई है, धमकी।
डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।